Hello everyone, I welcome you all in my YouTube channel again. And in this video, I will be discussing about one of the very important topic of sociology, that is social change. इस वीडियो में हम समाजशास्त्र सोशियोलॉजी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक डिस्कस करेंगे मेरे दोस्तों. पेपर में अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जाता है, दिस इज अबाउट द सोशल चेंज, कि सोशल चेंज होता क्या है. इस वीडियो में पार्ट वन डिस्कस करूंगा, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि सोशल चेंज क्या होता है, उसका मीनिंग क्या है, डेफिनेशन क्या है, और साथ ही साथ उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं. तो आइए मेरे दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए सबसे पहले इंट्रोडक्शन के साथ सोशल चेंज को शुरू करते हैं. टॉपिक को मैं इंट्रोड्यूस करता हूँ. तो मेरे दोस्तों, हम सभी को पता है, वी लिव इन द सोसाइटी, वी कैन नॉट लिव इन आइसोलेशन. वी लिव इन सोसाइटी, इंटरेक्ट विद द मेंबर्स ऑफ सोसाइटी. वी कांट लिव इन आइसोलेशन, यू नो दिस थिंग. तो सोसाइटी में मैंने आपको बहुत बार बताया है, सोसाइटी इज डायनामिक और चेंजेबल. सोसाइटी डायनामिक है, स्टैटिक नहीं है. नॉट अ स्टैटिक सोसाइटी कभी भी स्टैटिक नहीं होती. स्टैटिक का मतलब क्या होता है? स्टैटिक का मतलब है स्थिर. सोसाइटी लाइफ टाइम एक जैसी नहीं रहती, सोसाइटी में चेंज आता है. तो ये चेंज क्या है सोसाइटी में? ये सोशल चेंज ही तो है मेरे दोस्तों. सोसाइटी इज अ डायनामिक कंसेप्ट. वी लिव इन अ सोसाइटी एंड बिकॉज इट इज अ डायनामिक, मैनी चेंजेस टेक प्लेस इन द सोसाइटी. चेंजेस कैन बी इकोनॉमिक चेंजेस, सोशल चेंजेस, बहुत ऐसे हो सकते हैं, टेक्नोलॉजी को लेकर हो सकते हैं, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस. तो ये चेंजेस आ रहे हैं सोसाइटी में, ये सोशल चेंज तो आ रहा है. सोशल चेंज का मतलब सिंपल सा होता है, सोसाइटी में चेंज. एंड आप एक बात याद रख ले, चेंज इज अ लॉ ऑफ नेचर. चेंज इज अ लॉ ऑफ नेचर. सोसाइटी में जो चीज सोसाइटी है वो चेंज होगी. इनफैक्ट सोसाइटी, हम सोशोलॉजी पढ़ रहे हैं, हमने इंस्टीट्यूशन पढ़ा, एसोसिएशन पढ़ा, जितने भी टॉपिक्स हम सोसाइटी में पढ़े सारे डायनामिक थे. सोसाइटी इटसेल्फ इज अ डायनामिक, सोसाइटी भी डायनामिक है. और ये जो सोसाइटी में चेंजेस आ रहे हैं उसको सोशल चेंज बोला जाता है. मेरे दोस्तों बिल्कुल कंफ्यूज ना हो, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे आपको समझ आता जाएगा. आपने बस मेरे साथ बने रहना है. वीडियो अगर अच्छी लग रही हो तो लाइक कर दें, अगर चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कर दें. इंट्रोडक्शन में आप ये सारी बातें लिख सकते हो कि हम लोग सोसाइटी में रहते हैं, सोसाइटी में रहना हम लोग रहते हैं, हम अकेले नहीं रह सकते. सोसाइटी हमेशा सेम नहीं रहती, सोसाइटी में चेंज आते रहते हैं. चेंज आना एक लॉ का नेचर है और इसको चेंज नहीं किया जा सकता. तो सोसाइटी में चेंज आते रहते हैं. दिस इज अबाउट अ सोशल चेंज. आप ये सारी बातें इसमें सोशल चेंज में लिख सकते हो. आइए मीनिंग को डिस्कस करते हैं और मीनिंग से समझने की कोशिश करते हैं कि क्या होता है सोशल चेंज. तो मेरे दोस्तों, अगर मैं सोशल चेंज की बात करूं तो दिस इज मेड अप ऑफ टू वर्ड्स. सोशल चेंज दो वर्ड से मिलकर बना है, सोशल एंड चेंज. सोशल का मतलब होता है समथिंग रिलेटेड टू सोसाइटी, जो सोसाइटी के कंसर्न में हो. और चेंज का मतलब होता है टू डिफर होना, समथिंग डिफर और टू चेंज समथिंग, दैट इज टू मेक सम डिफरेंस इन समथिंग, आप ऐसा लिख सकते हो. तो सोशल चेंज को जब हम इकट्ठा पढ़ते हैं तो सोशल चेंज का मतलब क्या बनता है? चेंजेस दैट टेक प्लेस इन द सोसाइटी. जो सोशल चेंज कैन बी डिफाइंड एज अ चेंज इन द सोसाइटी. व्हाट डज इट मीन? चेंज इन द बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल ऑफ सोसाइटी, चेंज इन द टेक्नोलॉजी यूज बाय पीपल ऑफ सोसाइटी, चेंज इन द इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ सोसाइटी, चेंज इन द सोशल पोजिशन ऑफ पीपल ऑफ सोसाइटी, चेंज इन द इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ सोसाइटी. तो सोशल चेंज का मतलब होता है, चेंज दैट डज अकर इन द सोसाइटी, दैट डज अकर इन द सोसाइटी. ये होता है सोशल चेंज. सोशल चेंज का मतलब होता है चेंज इन द बिहेवियर ऑफ
individual of the society. Behavior of individual of the society. चेंज का मतलब होता है चेंज इन द इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ अ पर्सन ऑफ सोसाइटी. चेंज इन द इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ मेंबर ऑफ सोसाइटी. मेंबर्स ऑफ सोसाइटी. चेंज सोशल चेंज का मतलब होता है चेंज इन द इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ सोसाइटी. इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ सोसाइटी. सोसाइटी है हमारी, बाढ़ आ गई, सारा चेंज आ गया सोसाइटी में. बाढ़ आई, सारे गांव डूब गए पानी में, नया चेंज आ गया, ज्योग्राफिकल चेंज आ गया, इंफ्रास्ट्रक्चर में चेंज आ गया. तो सोशल चेंज का मतलब है मेरे दोस्तों सोसाइटी में जितने भी चेंज आ रहे हैं, चाहे वो पैसे को लेकर आ रहे हैं, सोसाइटी गरीब हो गई अमीर हो गई, या टेक्नोलॉजी को लेकर आ रहे हैं, सोसाइटी में अब एडवांस टेक्नोलॉजी यूज़ करी जा रही है, फ़ोन यूज़ किए जा रहे हैं, चाहे सोसाइटी में सोशल रिफॉर्म्स आ रहे हैं, पहले चाइल्ड मैरिज हो जाती थी अब नहीं होती है, पहले डाइवोर्स नहीं होता था अब हो सकता है, पहले सती प्रथा थी अब नहीं है. चेंज तो आ रहे हैं सोसाइटी में, लोगों के बिहेवियर में चेंज आ रहे हैं. पहले लोग सिविलाइज नहीं थे, हर किसी को मारते थे, सोसाइटी में जंगल की तरह काम होता था, माइट इज राइट का प्रिंसिपल एप्लीकेबल होता था, अब वैसा नहीं है, लोग एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हैं. तो ये सारे जो चेंजेस हैं, दीज चेंजेस कैन बी डिफाइंड एज अ सोशल चेंजेस. आई होप आपको इसका मीनिंग समझ आ गया होगा. आइए डेफिनेशन देखते हैं सोशल चेंजेस की. तो मेरे दोस्तों अगर मैं डेफिनेशन की बात करूँ सोशल चेंज की, तो दो डेफिनेशन मैं आपके सामने लेकर आया हूँ. इन डेफिनेशन से आपको कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा. पहली अगर मैं बात करूँ एम ई जोन्स, अकॉर्डिंग टू एम ई जोन्स हमारे स्कॉलर हैं, एम ई जोन्स सोशलॉजिस्ट हैं, इन्होंने बोला है सोशल चेंज इज अ टर्म यूज्ड टू डिस्क्राइब वेरिएशंस. इट इज अ टर्म यूज्ड टू डिस्क्राइब वेरिएशन इन और मॉडिफिकेशन और एनी एस्पेक्ट ऑफ सोशल प्रोसेस, सोशल पैटर्न, सोशल इंट्रैक्शन, सोशल ऑर्गेनाइजेशन. देखो क्या बोला है हमारे एम ई जोन्स ने कि सोशल चेंज का मतलब है वेरिएशन होना. वेरिएशन मतलब चेंज होना, डिफर होना, वेरिएशन होना या मॉडिफिकेशन होना, मॉडिफाई करना किस चीज़ को. मॉडिफिकेशन होना किस में मॉडिफिकेशन होगी, सोशल प्रोसेस में या सोशल पैटर्न में या सोशल इंट्रैक्शन में या सोशल ऑर्गेनाइजेशन में. सोसाइटी में जब लोगों के बिहेवियर में चेंज आएगा सोशल चेंज है. सोसाइटी में जब लोगों की आपस में इंट्रैक्शन में चेंज आएगा सोशल चेंज है. पहले इंट्रैक्शन होती थी फेस टू फेस, अब इंट्रैक्शन होती है फोन में, सोशल चेंज है ये. सोसाइटी में जब पर्सन्स के एक सोसाइटी के सोशल ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन मतलब एसोसिएशन में चेंज आ गया या किसी इंस्टीट्यूशन में चेंज आ गया, ये सारे क्या है, सोशल चेंज ही तो है. तो एम ई जोन्स ने सिंपल सा बोल दिया सोसाइटी में वेरिएशन आनी, मॉडिफिकेशन आनी, कैसे आनी, सोशल प्रोसेस में आनी, सोशल पैटर्न में आनी, सोशल ऑर्गेनाइजेशन में आनी, ये सोशल चेंज है. अगर मैं बात करूँ मैकाइवर की, तो मैकाइवर क्या बोलते हैं, सोशल चेंज इज चेंज इन ह्यूमन रिलेशनशिप. सोशल चेंज क्या है, चेंज है किस में, ह्यूमन रिलेशनशिप में. लोगों के जब रिलेशनशिप में चेंज आ रही है तो ये सोशल चेंज ही तो है. दिस इज़ अबाउट डेफिनेशन, आई होप आपको समझ आई होंगी. तो मेरे दोस्तों आपको इस टॉपिक को समझ के ये पता चल गया होगा कि सोशल चेंज का सिंपल सा मतलब है सोसाइटी में जो चेंज आता है. अब सोसाइटी जैसी है उसमें नई टेक्नोलॉजी आ गई, सोशल चेंज हुआ. सोसाइटी जैसी है उसका साइज बढ़ गया, पॉपुलेशन बढ़ गई, चेंज आ गया. नेचुरल कैलामिटी आ गई, पहाड़ टूट गए, चेंज आ गया. पहाड़ों को तोड़ दिया गया, सड़कें बना दी गई, वहाँ पे अर्बनाइजेशन हो गया, चेंज आ गया. सोशल चेंज का मतलब है सोसाइटी में चेंज आना, चाहे पैसे को लेकर आए, चाहे रिफॉर्म्स को लेकर आए. पहले विडो री मैरिज नहीं थी, लड़कियों को हस्बैंड के साथ जलना पड़ता था जब हस्बैंड मर जाते थे, अब ऐसा नहीं है, सोशल चेंज है ये. पहले छोटे बच्चों की शादी करवा दी जाती थी, अब नहीं करवाई जाती, सोशल चेंज है ये. आई होप आपको सारे एग्जाम्पल समझ आ रहे होंगे. आइए डिस्कस करते हैं सोशल चेंज की महत्वपूर्ण कैरेक्टरिस्टिक्स. तो मेरे दोस्तों अगर मैं सोशल चेंज की कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करूं, फीचर्स की बात करूं, नेचर की बात करूं, तो सबसे पहला जो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है वो ये है कि यूनिवर्सल नेचर का ही,
सोशल चेंज एक यूनिवर्सल फिनोमिना है, ये कोई पर्टिकुलर फिनोमिना नहीं है। सोशल चेंज हर सोसाइटी में आता है, चाहे इंडियन सोसाइटी हो, अमेरिकन सोसाइटी हो, यूरोपियन सोसाइटी हो, एग्रेरियन सोसाइटी हो, रूरल सोसाइटी हो, इंडस्ट्रियल सोसाइटी हो, सोशल चेंज इज यूनिवर्सल, हर जगह आएगा, हर सोसाइटी में विद्यमान होगा। हमारी इंडियन सोसाइटी में कितने चेंजेस आ गए हैं जब से हमारी इंडियन सोसाइटी बनी है, उसी तरह से अमेरिकन सोसाइटी में कितने चेंजेस आ गए हैं, लोगों को फंडामेंटल राइट्स दिए जा रहे हैं, चेंजेस तो आ रहे हैं, बहुत सारे चेंजेस हैं। तो इट इज़ यूनिवर्सल फिनोमिना, इट इज़ नॉट अ पर्टिकुलर फिनोमिना, इट डजंट एग्जिस्ट इन वन और टू कंट्रीज, बट एवरीवेयर वेयर देयर इज सोसाइटी देयर वुड बी सोशल चेंज। आप ये लिख सकते हो। सेकेंड आप लिख सकते हो कंटिन्यूअस। सोशल चेंज एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, ये एक ऐसा प्रोसेस नहीं है कि आज हुआ और कल बंद हो जाएगा। चेंज लगातार होता है सोसाइटी में, चाहे कम चेंज हो, थोड़ा सोसाइटी में कम चेंज हो, फिर बहुत ज़्यादा चेंज आ जाए, टेक्नोलॉजी को लेकर चेंज आ जाए, सोसाइटी में रिफॉर्म्स को लेकर चेंज आ जाए, पर चेंज आता है, चेंज कंटिन्यूस है, लगातार चल रहता है। आज सोसाइटी यहाँ बनी हुई है, यहाँ पे सोसाइटी पहुँच गई, यहाँ पे सोसाइटी पहुँच गई, यहाँ पे ये बीच में चेंज आएंगे, चाहे जैसे मेरे चेंज हो, चाहे कैलमिटीज़ को लेकर कोई बाढ़ आ गई फिर चेंज आ गया, या पॉपुलेशन बढ़ गई फिर चेंज आ गया, सोसाइटी स्टैटिक नहीं रहती, एक जैसी नहीं रहती। जैसे आज सोसाइटी है, अगले दिन कल आप देखो चेंज आ जाएंगे, पता नहीं कितने बच्चों ने जन्म ले लिया होगा, पता नहीं कितने लोग मर गए होंगे। सोसाइटी में आने वाला सोशल चेंज एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, लगातार चेंज आता है। नेक्स्ट आप बोल सकते हो स्पीड ऑफ सोशल चेंज इज नॉट यूनिवर्सल। स्पीड ऑफ सोशल चेंज इज नॉट यूनिवर्सल। जो सोशल चेंज होता है उसकी स्पीड कभी यूनिवर्सल नहीं होती। यूनिवर्सल नहीं, आप ये यूनिफॉर्म लिखो, यूनिफॉर्म, दैट विल बी यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म मतलब एक जैसी। जो सोशल चेंज होता है वो यूनिवर्सल तो है, हर सोसाइटी में होगा सोशल चेंज, लेकिन यूनिफॉर्म नहीं है। यूनिफॉर्म मतलब जैसा अमेरिका में चेंज आया इंडिया में वैसा चेंज आएगा, वैसा नहीं है, चेंज डिफर करेगा। हमारी इंडियन सोसाइटी में अपने तरीके से चेंज हो रहे हैं, अमेरिकन सोसाइटी में अपने तरीके से चेंज हो रहे हैं, रूरल सोसाइटी में अपने ही चेंज हो रहे हैं, अर्बन सोसाइटी में अपने ही चेंज हो रहे हैं। मतलब बोलना है क्या हुआ कि जो सोशल चेंज होता है उसकी जो स्पीड है, जितना फास्ट चेंज हो रहा है, वो सब सोसाइटी में यूनिफॉर्म नहीं होता, एक जैसा नहीं होता, वो डिफर करता है सोसाइटी सोसाइटी, वो डिफर करता है। हमारी इंडियन सोसाइटी में जो चेंजेस आज आ रहे हैं वो चेंजेस अमेरिका में बहुत दिनों पहले आ गए थे। हमारा देश आज़ाद हुआ 1947 में, अमेरिका आज़ाद हो गया था 1889 में, आई थिंक सो। तो चेंज देखो कितना, वहाँ पे इतनी जल्दी चेंज आ गया था, यहाँ पे अभी चेंज आ रहा है। तो चेंज की जो स्पीड है वो यूनिवर्सल नहीं होती, यूनिफॉर्म नहीं होती, रैदर यूनिफॉर्म नहीं होती, मैं यही बोलना चाहता हूँ। यूनिवर्सल तो होता है चेंज, हर सोसाइटी में विद्यमान है, चेंज हर सोसाइटी में आएगा, पर हर सोसाइटी में एक जैसा चेंज आए ये नहीं है, ये सही नहीं है। तो तीसरा पॉइंट आप ये लिख सकते हो। चौथा पॉइंट आप लिख सकते हो चेंजेस कैन बी ड्यू टू वेरियस फैक्टर। जो सोशल चेंज है वो बहुत सारे फैक्टर्स की वजह से हो सकता है। फैक्टर्स का मतलब क्या होता है, हमारी सोसाइटी में चेंज लाने के फैक्टर क्या क्या हैं। अब देखो सोसाइटी में चेंज कैसे आ सकता है, इकोनॉमी फैक्टर की वजह से। इकोनॉमी फैक्टर का मतलब क्या है, सोसाइटी बहुत अमीर बन गई, सोशल चेंज आ गया मतलब, या सोसाइटी बहुत गरीब आ गई, इन्फ्लेशन आ गया, महंगाई बढ़ गई, सोशल चेंज आ गया। सोसाइटी में वेरियस फैक्टर में दूसरा क्या आ जाएगा, नेचुरल फैक्टर। नेचुरल का मतलब क्या है, कैलामिटी आ गई, बाढ़ आ गई, सोशल चेंज आ गया। तीसरा सोशल चेंज कैसे आ सकता है, सोशल फैक्टर, जैसे सोशल रिफॉर्म्स आ गए, चाइल्ड मैरिज खत्म हो गई, विडो रीमैरिज अलो होगी, सोशल चेंज आ गया। तो सोशल चेंज करने के बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, इन्वायरमेंटल फैक्टर होते हैं, नेचुरल फैक्टर, सोशल फैक्टर, इकोनॉमी फैक्टर। तो इस फोर्थ पॉइंट जो आप एग्जाम में लिख कर आ सकते हो फैक्टर सिक्स में। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक अभी कर दें, अगर कमेंट करो तो और भी ज़्यादा अच्छा लगेगा। हमें अपनी राय दीजिए हम कैसे अपने चैनल को ग्रो करें और कैसे कैसी वीडियोज़ हम डालें। अगर वीडियो समझ आ रही है तो प्लीज़ लाइक जरूर कर दें, अपनी राय जरूर दें कमेंट बॉक्स में। इसके अलावा आप लिख सकते हो सोशल चेंज कैन बी प्लान्ड एंड कैन बी नॉन प्लान्ड। जो सोशल चेंज है वो प्लानिंग के साथ भी हो सकता है और बिना प्लानिंग के भी हो सकता है। अगर प्लानिंग की बात करूँ तो प्लानिंग के साथ सोसाइटी में बिल्डिंग्स बना दी, प्लानिंग के साथ सोसाइटी में सड़कें बना दी, प्लानिंग के साथ सोसाइटी में पुल बना दिए, प्लानिंग के साथ सोसाइटी में डैम बना दिए, प्लानिंग करी फिर प्रॉपर सोसाइटी में ये सारे काम किए, सोशल चेंज तो आया।
नए पुल बने, नई सड़कें बनी, इन्वायरमेंट को लेकर चेंज आ गया, चेंज तो आ गया, या अनप्लान भी सोशल चेंज हो जाता है, कभी कभी हम प्लान ही नहीं करते पर सोशल चेंज हो जाता है। बाढ़ आई, सोसाइटी सारी बाढ़ में बह गई, लोग सारे जो थे वो बेघर हो गए, सोशल चेंज आ गया। सूखा पड़ा, ज़मीनें सारी सूखी हो गई, खाना नहीं पैदा हुआ या अनाज पैदा नहीं हुआ, सोशल चेंज आ गया। तो या तो अनप्लान, कभी कभी खुद ही सोशल चेंज आ जाता है। COVID-19 अपने आप आया ना, प्लानिंग तो किसी ने नहीं की कि COVID-19 आ जाएगा हमारी सोसाइटी में। COVID-19 आया, इंडियन सोसाइटी कितनी चेंज हो गई, लोग ऑनलाइन काम करना शुरू करने लग पड़े, लोग घरों में रहना शुरू करने लग पड़े, नए नए मीन्स ऑफ लाइवलीहुड सोचने लग पड़े, सोसाइटी में लोगों ने नया बिजनेस शुरू करना शुरू कर दिया, मास्क बनना शुरू हो गए, PPE किट जो डॉक्टर पहनते हैं वो बनाना शुरू कर दी लोगों ने, महिलाओं ने घरों में मास्क बनाना शुरू कर दिए, सिलना शुरू कर दिए। चेंज तो है सोसाइटी में, अनप्लान था, एकदम से आ गया COVID-19 आया, खुद चेंज आ गया। प्लान में खुद प्लानिंग करके चेंज लाया जाता है। तो सोशल चेंज कैन बी प्लान, कैन बी अनप्लान, आप ये भी ले सकते हो। और आप एक पॉइंट ले सकते हो कि जो सोशल चेंज है, सोशल चेंज इज अ ह्यूमन चेंज, ह्यूमन चेंज या चेंज इन ह्यूमन बिहेवियर। सोशल चेंज का मतलब ह्यूमन चेंज होता है, ह्यूमन बीइंग में चेंज हो रहा है, उनके बिहेवियर में चेंज हो रहा है, इंट्रैक्शन में चेंज हो रहा है, ये सोशल चेंज ही तो है। लोग आज फ़ोन पे बात कर रहे हैं, ईमेल के थ्रू चैट कर रहे हैं, चिट्ठी बहुत कम डाली जाती है, सोसाइटी में चेंज ही तो आ रहा है। तो आई होप आपको ये सारी वीडियो समझ आई होगी मेरे दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें, अपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और हाँ कमेंट करके ज़रूर बताएँ कि कैसी वीडियो को इम्प्रूव कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।